हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे काटी जाती है। सबसे पहले ये मैंने बकरम लिया है। गले की जो डीपनेस है वो 9 इंच है, तो इसलिए हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 12 इंच पे तैयार निशान लगा लिया, 2.5 इंच पर यहाँ और 2.5 इंच पर यहाँ। उसके बाद दोनों निशान को मिलाकर इंची टेप रखें और सीधा निशान लगा लें। एक निशान यहाँ सीधा रख लें और एक निशान जो 12 इंच पे लगाया था वहाँ सीधा रख लें। देखिए ऊपर वाले निशान को भी सीधा मिला लें। उसके बाद 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है ऊपर और 1 इंच बाहर की तरफ नीचे, उसको भी सीधा मिला लेना है। इसके बाद ये हम गले का शेप बनाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। आप घर पे अपने आराम से बहुत इजी तरीके से आसानी से गला काट सकते हैं। इसके लिए आपको पेस्टिंग वाला बकरम जो प्रेस से चिपक जाता है ये बकरम लेना है। ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए इसको कटिंग कैसे करना है। बाहर वाला पोर्शन जो खुला वाला पोर्शन है वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 5 शेप का गला यहाँ से इसको काट लिया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि बनने के बाद जो अंदर तुरपाई वाला हिस्सा रहता है वो एक सा रहे। हमारा गला कट चुका है, ये ब्लाउज का गला है दोस्तों। उसके बाद ये अंदर का जो पीस जो आपने देखा था, जो अंदर पीस लगा हुआ था, ये वो पीस है। ये अंदर वाला गला, अंदर का पीस ये कट गया है। उसके बाद ये 2 पीस अंदर लगाएंगे। एक ये छोटा पीस। अब हमें ये रख के देखना है ये ब्लाउज पे जो गला पलटा जाएगा ये वो है। उसके बाद ये अंदर वाला पीस, उसके बाद ये छोटा पीस, अब हम एक कपड़ा लेंगे जिस कपड़े पे हमें ये चिपकाना है। इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमने बकरम जो काटा था गला इस पर अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। ये हमारा ब्लाउज है, आगे का पोर्शन इसका तैयार हो चुका है। ये आस्तीन है, आस्तीन पर मैंने बॉर्डर लगा ली है और इसमें जो है रेड कलर का कपड़ा हम यूज़ करेंगे क्योंकि रेड कलर की बॉर्डर इसमें है और गोल्डन इसमें लेस लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको अभी वो बताया था कि इस ब्लाउज़ में रेड कलर की साड़ी में बॉर्डर है, तो इसमें हम रेड और गोल्डन कलर का यूज़ करेंगे। ये मैंने रेड कलर के कपड़े पे अंदर वाले पीस को चिपका लिया है।
इसके बाद जो छोटा वाला पीस है उसको हम, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा पतला होता है, इसलिए उसको हम अस्तर पे चिपकाएंगे। ये गला बनने के बाद दोस्तों बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत लगता है। बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है कैसे कटिंग होती है, इसको कैसे काटा जाता है, कैसे निशान लगाए जाते हैं। आप भी जो है इस गले को घर पे बना सकते हैं, अपनी शॉप पे बना सकते हैं। ये गला किस तरीके से बनाया जाएगा इसकी वीडियो हम बाद में डालेंगे, आने अगली वीडियो पे डालेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।